नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस इंडिया फर्स्ट की इस पेशकश में हम बात कर रहे हैं विजयपुर विधानसभा सीट की, जहां से लगातार 5 बार विधायक हैं राम निवास रावत। अटकलें हैं कि वो इस बार अपना ठिकाना बदल सकते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर फिल वक्त इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन विजयपुर के जाति और राजनीतिक समीकरण क्या है आपको बताते हैं। विजयपुर कांग्रेस का गढ़, 5 बार से इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राम निवास रावत। कांग्रेस विधायक राम निवास रावत ने विधानसभा में विजयपुर के लिए जमकर आवाज उठाई है, उसका अच्छा परिणाम भी उन्हें मिला है। लेकिन अक्सर ये चर्चा उठती है कि वो अब क्षेत्र बदलना चाहते हैं। कांग्रेस के गढ़ में सांसद, रिटायर्ड कलेक्टर और भाजपा के जिला अध्यक्ष खुद के लिए अब जमीन तलाश रहे हैं। हम आपको बता दें कि पंजे से 5 चुनाव जीत चुके कांग्रेस विधायक राम निवास रावत कैस बार नया ठिकाना तलाशेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद रावत कभी इस तरह की चर्चाओं का खंडन नहीं करते। विजयपुर उनके लिए शुरू से ही लकी साबित हुआ है, पर ऐसी क्या वजह है कि उनके चुनाव क्षेत्र बदले जाने की चर्चा आन पड़ी है? विधानसभा में अपने प्रदर्शन के दम पर उन्होंने विजयपुर को भी पहचान दी है। भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से उन्हें विजयपुर से पराजित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। हम आपको बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 218,572 मतदाता है, 323 मतदान केंद्र है। पुरुष मतदाताओं की तादाद 117,497 है और महिला मतदाताओं की तादाद है 101,073। 2013 के परिणामों पर हम निगाह दौड़ाएं तो राम निवास रावत को 67,358 वोट मिले थे। सीताराम आदिवासी जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें 65,209 और बहुजन समाज पार्टी के सतीश आदिवासी को 7,192 मत ही मिल पाए थे। 2003 और 2008 के चुनाव परिणामों का हम जिक्र करें तो कांग्रेस को 2003 में 50,726 और भारतीय जनता पार्टी को 32,017 मत मिले थे और 2008 में कांग्रेस को 42,705 और भारतीय जनता पार्टी को 39,694 वोट मिले थे। जाति समीकरणों की हम इस इलाके में बात करें तो आदिवासी, रावत, बैरवा, माली, धाकड़ समाज का यहां ज्यादा प्रभाव है। मारवाड़ी, गुर्जर, ब्राह्मण और वैश्य समाज का भी प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। 2018 में संभावित प्रत्याशियों की सूची यदि हम देखें, यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद अनूप मिश्रा, रिटायर्ड कलेक्टर पन्नालाल सोलंकी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गर्ग, मंडल अध्यक्ष अरविंद जादौन और एडवोकेट वीके सिंह और पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा यहाँ अपना दावा पेश कर सकते हैं। उधर कांग्रेस की बात करें तो राम निवास रावत का इकलौता नाम है। उन्होंने सीट छोड़ी तो नगर पालिका अध्यक्ष रिंकी प्रदीप गोयल, भरत गर्ग या फिर किसी आदिवासी नेता को टिकट दिया जा सकता है। देखना होगा कि विजयपुर में इस बार राजनीति किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज़।